मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मदरसे के मौलवी ने गलत काम कर दिया है। तस्वीरों में आप जिस मौलवी को देख रहे हैं पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, ये वही मौलवी है जिसने बच्चे के साथ दरिंदगी की है, ऐसा आरोप इस मौलवी पर लग रहा है। मदरसे में भी अब बच्चे महफूज नहीं है। जो मौलवी की जिम्मेदारी है वो बच्चों को बुरे काम से बचने की तालीम दे, और वही मौलवी अगर इस तरह की घिनौनी हरकत कर दे तो आप क्या कहें। दो फैले से ना मदरसे में पढ़ रहे थे शास्त्रीपुरम के, तो आज मैं उनको चॉकलेट देने के लिए मदरसे को गई तो उन्होंने बेवश पड़े हुए थे। मैं उनको उठाई जाके उठाई तो उन्होंने जो सब एकदम यानी बेवश उठे तो मैं उनको क्या हुआ बोले तो उन्होंने डर के बोले सर में दर्द हो रहा। तो मैं बोली क्या कहीं को दर्द हो रहा आपके सर में, बोलते नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा बोल के बोले तो मैं उनको ठीक है क्या हुआ बोल के बोले तो नहीं मेरे को मुल साहब डराए, मेरे को मुल साहब डराए बोलते नहीं कहीं को डराए मुल साहब बोलते नहीं मेरे को मुल साहब डराए। तो एक दूसरा बच्चा आया मदरसे का, आके बोला कि आंटी आपके बच्चे के साथ गलत काम करें। तो मैं फिर मेरे मोहम्मद उस्मान को बुलाई, बुला के पूछी क्या हुआ तो उन्होंने बोले कि मेरे को ऐसा खींचे दर्द हो रहा क्या बोलते तो मुल साहब ऐसा ऐसा बाथरूम में लेके आके ऐसे काम ना करें। तो उसके बाद फिर हम लोग मैं बहन को भैया लोगों को सबको बुलाई वहाँ पर ही ठहर के, मम्मी को बुलाई, बुला के हम लोग बच्चे को चेक करें एक्चुअली उनको डैमेज हो गया। इससे पहले कभी घर में कुछ बोले इस बारे में बच्चा नहीं करते उन्होंने नहीं थोड़े दिन अभी रिसेंटली हम लोग अफ्रीका में रहते थे जी हम लोग अफ्रीका में रहते थे इट्स जस्ट रिसेंटली वी केम बैक हियर 4 years ago वी डोंट नो अबाउट हियर रूल्स एंड रेगुलेशन बट वी थॉट वी हैव टू गिव इस्लामिक नॉलेज सो आई पुट हिम इन मदरसा बट आई डिडंट नो दे आर गोइंग टू डू लाइक दिस। आप कंप्लेंट करें आप या आई कंप्लेंट इट क्या बोले जो हुआ था वही बोले व्हाट इज गोइंग ऑन विद बिहाइंड हिम दैट्स द थिंग्स वेयर इज मदरसा इज लोकेटेड एंड शास्त्रीपुरम व्हिच पुलिस स्टेशन यू हैव कंप्लेंट मलाडदेवपल्ली पानी में कुछ मिला के पिला रहे थे करके बच्चे कब से पढ़ रहा हूं लास्ट 2 months से पढ़ रहे थे उन्हों ऐसा और बुला के उनको ना इधर पकड़ो उधर पकड़ो इधर पकड़ो बल्कि उनको लपट ले रहे थे कर रहे थे ये वो कर रहे थे उनको दोनों मेरे को 2 दिन पहले कंप्लेन करे थे। 2 दिन पहले क्या कंप्लेन करे थे मेरे को रात में मदरसे में नहीं रहना है मेरे को डे में डालो। तो मैं बोली कि उनको पढ़ना नहीं होगा इसलिए उन्होंने बोल रहे होंगे बोल के मैं जी हाँ जी बोर्डिंग में थे उन्हों तो जी हाँ फीस दे रहे थे एक्चुअली मदरसे में ज़्यादा फीस पे नहीं कर रहे थे 600 पे कर रही थी मैं एवरी मंथ। हाँ 2 months ही हुआ था उन्होंने जाके वो मदरसे में 2 महीने ही हुआ था वहाँ पर और एक साहब है उन्होंने देखे फिजिकल इंजरीज है बच्चे को पीछे बटक्स पे मैं देखा भाई ऑलरेडी 3 कैमरे वर्क नहीं कर रहे वहाँ पर और हम लोग तो फीस नहीं ले रहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे। मैं बोला आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सक रहे तो बंद कर दो मदरसे को सही है ना। आप लोग बुला ले रहे गैर दूसरे स्टेट्स के लोग आ रहे हैं यहाँ पर आके जो है ना अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जॉब है टीचर का आप लोग किसको भी जॉब दे रहे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स नहीं ला रहे पीसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं ला रहे। हम गए तो हमारे को पीसी सर्टिफिकेट पूछ रहे ऑफिसों में मदरसे की अब कमेटी होंगी ना वो लोग अब मदरसे की कमेटी वाले इंचार्ज कौन है सामने अभी तक कोई नहीं आए देखे मैं आके जो है ना 2.5 घंटे हो गए।